नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आपको जैसा कि पता है कि हम DLED प्रथम सेमेस्टर के लिए आपका मैथ सॉल्व करा रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों के अंतर्गत आपको 7 वीडियोस प्रोवाइड कराए थे, जिसमें हमने आपके 72 क्वेश्चंस को डिस्कस करा था। अब देखिए, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों को डिस्कस करने के दो तरीके होते हैं। क्या तरीके होते हैं? तो जैसे मान लीजिए यही क्वेश्चन जैसा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, मान लीजिए यही क्वेश्चन आपको दिया हुआ है और इस क्वेश्चन के ऑप्शंस दिए हुए हैं ए, बी, सी और डी। तो हमने बताया कि ये क्वेश्चन का जैसे ऑप्शन ए सही है, ये एक तरीका है कि हमने इसमें से चार में से एक पे टिक मरवा दिया और बढ़ गए, आगे चले गए अगले क्वेश्चन पे। ऐसा हमने नहीं कराया है, हमने ये बताया कि ए ऑप्शन है तो यही सही क्यों है और ये बी, सी और डी ऑप्शन गलत क्यों है। तो हमने डिटेल में डिस्कस कराया था, जिससे कि आपके कंसेप्ट बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो पाए। तो आपने एक भी वीडियो मिस कराया है तो आप उनको सबको देख लीजिए। उसे देखने के लिए आपको क्या करना होगा, यूट्यूब में जाइए, हमारे चैनल का नाम सर्च कर लीजिए, बेसिक टू टॉप स्टडी। जैसे ही चैनल का नाम आप सर्च करते हैं तो मेरा चैनल आ जाएगा, उसमें एक प्लेलिस्ट नाम से एक बॉक्स बना होगा, प्लेलिस्ट होगी। उस प्लेलिस्ट में आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको नीचे की साइड पे आपको दिख जाएगी DLED प्रथम सेमेस्टर के लिए एक प्लेलिस्ट बनी होगी, वहाँ पर आप जाइए, उसमें से सभी वीडियोस को आप वॉच कर लीजिए। और वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। देखिए, जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि आज जो क्वेश्चन नंबर डिस्कस होने वाला है वो आपका 41 डिस्कस होने वाला है, यानी इससे पहले हमने 40 क्वेश्चन तक डिस्कस करा दिए हैं। अब देखिए, कह रहा है कि किसी वृत्त के व्यास व त्रिज्या में संबंध बताइए। देखिए, हम व्यास वृत्त के बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं, आइए फिर से हम डिस्कस कुछ कर देते हैं आपके लिए। इसमें आपका रेडियस और हम डायमीटर के बारे में हम डिस्कस कर देते हैं। अब देखिए, यहाँ पर एक सेंटर होगा और सेंटर से इस परिधि तक की दूरी है, इसे हम रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे हम रेडियस बोलते हैं और रेडियस को हम आर से डिनोट करते हैं, यानी त्रिज्या, जिसे हम क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। इसी तरीके से इधर का जो पार्ट रह गया ये भी त्रिज्या होगी, इन दोनों त्रिज्याओं को जोड़कर ही बनता है आपका डायमीटर। डायमीटर का मतलब यहाँ से लेकर के डायमीटर को अगर हम खींचना चाहें, हम आपको बताना चाहें तो इस तरीके से बताएंगे कि डायमीटर इस पॉइंट से स्टार्ट होके और चलता चला जाता है, इस पॉइंट तक आता है। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में हमने कितनी दूरी तय कर ली, तो हमने आर प्लस आर दूरी तय कर ली, और जब इन दोनों को जोड़ेंगे तभी ये डायमीटर होगा, यानी व्यास होगा। तो यही संबंध होता है, जो डायमीटर होता है वो 2r के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 2r के बराबर होता है। ऐसे ये भी पूछ सकता है कि रेडियस को अगर हम लिखना चाहें, रेडियस निकालना चाहें, तो हमें क्या करना है, डायमीटर में हम 2 का भाग दे देंगे, क्योंकि ये जो 2 इधर गुणा कर रहा है इधर जाके भाग देगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसका समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 42, क्वेश्चन नंबर 42 में क्या कहा हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 42 में बोल रहे हैं, लिखा हुआ है तल पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं से होकर जाने वाली कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। तल पर स्थित मतलब सरफेस पर जो स्थित हैं, जैसे मान लीजिए ये दो पॉइंट हैं, हम सपोज दैट इसे मानते हैं कि ये दो पॉइंट हैं, एक पॉइंट ये है एक पॉइंट ये है, यानी पॉइंट ए और पॉइंट बी, तो इन दोनों से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो अब देखिए, यहाँ से और यहाँ तक हम इन दोनों को पॉइंटों को मिलाएंगे, अब मिलाने पे एक रेखा हमें मिल जाएगी। तो इस तरीके से हमने जैसे मान लीजिए ये ड्रॉ कर दी, ये हमें एक रेखा मिल गई। इसके बाद अगर हम ड्रॉ करना चाहें तो इसके बाद हम कोई भी रेखा ड्रॉ नहीं कर पाएंगे जो दोनों पॉइंटों से होकर जाएगी। अगर मान लीजिए इस तरीके से हमने ड्रॉ करा तो ये दोनों पॉइंटों से होकर नहीं जा रही है, इस तरीके से करा तो भी पॉइंटों से दोनों से होकर नहीं जा रही है, ठीक है, इस तरीके से करा फिर भी नहीं जाएगी। तो कोई भी ऐसी सिचुएशंस नहीं बनेगी जिससे कि जाएगी, केवल एक ही रेखा जाएगी। तो दो बिंदु अगर तल में स्थित होंगे तो उनसे केवल एक ही रेखा जा सकती है, उनको टच करती हुई, यानी उनको स्पर्श करती हुई एक रेखा जा सकती है। अब देखिए, क्वेश्चन कह रहा है 43, और 43 क्वेश्चन में बताया है कि 3ABC माइनस 2AB स्क्वायर माइनस 5ABC और प्लस इतना। अब देखिए, इसको हम लिख लेते हैं, पहले लिखा हुआ है 3
ए बी सी माइनस टू ए बी स्क्वायर माइनस फाइव ए बी सी और लिखा है प्लस थ्री ए बी स्क्वायर। अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो जो समान पद मिल रहे हैं उनको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। जैसे देखिए ये थ्री ए बी सी है, यहाँ पर ये फाइव ए बी सी है, तो अब थ्री ए बी सी कम हो गया, फाइव ए बी सी ज़्यादा है, तो माइनस का टू ए बी सी बचेगा। क्या बचेगा? माइनस का टू ए बी सी, क्योंकि इस थ्री ए बी सी ये इसमें से चला गया, तो प्लस का था कम माइनस का था ज़्यादा, तो माइनस का टू ए बी सी बच गया। इसके बाद इसमें देखिए ए बी स्क्वायर है, ये भी ए बी स्क्वायर है, तो यहाँ पर माइनस का टू ए बी स्क्वायर है, और इस माइनस के टू ए बी स्क्वायर में ये घट गया इसमें से, तो केवल बचेगा प्लस का ए बी स्क्वायर। क्या बचेगा? प्लस का ए बी स्क्वायर। इस तरीके से ये बचेगा प्लस का ए बी स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसे और भी आप सॉल्व करना चाहें तो इसमें से आप कॉमन ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? यहाँ से ए कॉमन ले लिया, बी कॉमन ले ली, अगर ले लेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा? माइनस का टू, और यहाँ से ए भी तो चला गया, सी रह गया, अब ये हो जाएगा प्लस का आपका, तो ये हो जाएगा, यहाँ से बी बचेगा। तो इस तरीके से भी ले सकते हैं, वैसे ये आंसर आप सही होगा आपका। इतना करके आएंगे आपको नंबर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 43। अब 43 क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है, 43 क्वेश्चन को हम देखना चाहें तो देखिए कह रहे हैं कि 8 के प्रथम 5 अपवर्त बताइए, यानी मल्टीपल बताइए, यानी 8 का टेबल पढ़िए। तो 8 का टेबल पढ़ना चालू करो, कितने पूछ रहा है? 5 पूछ रहा है, तो 8 बन जा 8, 8 टू जा 16, 8 थ्री जा 24, 8 फोर जा 32 और 8 फाइव जा 40, यानी 8 दूनी 16 और 8 तिया 24, 8 चौके 32, 8 पंजे 40, तो यही अपवर्त हो जाएंगे 8 के। क्या हो जाएंगे? यही अपवर्त हो जाएंगे आपके 8 के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। देखिए क्या कहा हुआ है, लिखा है 13 माइनस 8 इंटू में 2 और प्लस में 3। अब हमने कहा था पहले इसमें बोर्ड मास से सॉल्व करना है, जब बोर्ड मास से सॉल्व करना है तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ये हमने बोर्ड मास आपको कई बार डिस्कस कराया है, आपको नहीं पता है तो आप ये जान लीजिए, सबसे पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ता है। जैसे आप पहले लिख लीजिए, जैसे बोर्ड मास लिखना है आपको, तो बी ओ डी एम ए एस बोर्ड मास, तो ये ब्रैकेट्स होते हैं, ब्रैकेट्स, तो इसमें ब्रैकेट्स को पहले सॉल्व कराया जाता है। तो सबसे छोटे ब्रैकेट, फिर ये वाला ब्रैकेट, फिर मझला ब्रैकेट, फिर आपका सबसे बड़ा ब्रैकेट, ये सब ब्रैकेट्स ये फर्स्ट नंबर पे सॉल्व होगा, सेकंड नंबर पे ये, थर्ड नंबर पे ये, फोर्थ नंबर पे ये। तो सबसे पहले हमने यही है, तो इसे हमने सॉल्व कर लिया, इसे हम सॉल्व करेंगे, तो इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या लिखना है, तो इसमें इसे सॉल्व कर लीजिए आप। तो 8 दूनी कितना हो गया? 16 हो गया, और इधर कितना है? 13 माइनस 16 प्लस में 3 है। अब देखिए यहाँ पर ये जो है 13 और ये 3 है, ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो पहले हमें जोड़ना है, जोड़ना है तो हम कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, और 16 में से 16 जाएगा, कितना बचेगा? 0, तो आपका 0 आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0 आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए इस क्वेश्चन के अंतर्गत आप देखेंगे तो लिखा हुआ है एक बगीचे की लंबाई 115 मीटर है तथा चौड़ाई 45 मीटर है, बगीचे के चारों ओर से उसे घेरने के लिए कितने मीटर तार की आवश्यकता होगी। तो इसका क्या पूछा है? तो इसका पेरीमीटर पूछा है, आपको पता चल रहा है कि इसका पेरीमीटर पूछा हुआ है, परमाप पूछा हुआ है। जैसे मान लीजिए ये एक बगीचा है, ये इस तरीके से एक बगीचा है, और इस बगीचे को हमें क्या करना है, इसे हमें घेरना है, बाउंड्री करनी है इसकी। जब हम इसकी बाउंड्री करनी है तो हम किस तरीके से इसकी बाउंड्री करेंगे? तो इसकी बाउंड्री करने के लिए हम इस तरीके से इसके किनारे से इस तरीके से हम इसमें तार लगा देंगे,
या कुछ भी लगाएंगे तो इसका हम कर क्या रहे हैं, इसका हम इसकी जो बाउंड्री कर रहे हैं वो इसका पेरीमीटर कवर कर रहे हैं हम। पेरीमीटर मतलब परिमाप कवर कर रहे हैं, इस चीज़ का परिमाप कवर कर रहे हैं। तो यानी परिमाप को हम कैसे निकालते हैं, तो हमने कहा था इसकी सभी लेंथ जुड़ जाएंगी आपस में, यानी लेंथ ब्रेथ दोनों जुड़ जाएंगी। अब कितनी इसमें लेंथ है, लेंथ इसमें दो हैं, ये एक लेंथ रही, ये लेंथ रही, ये ब्रेथ रही, ये ब्रेथ रही। यानी लेंथ का मतलब लंबाई, लंबाई और चौड़ाई, चौड़ाई, इन सबको जोड़ना होता है। इसमें देखिए कहा भी है 115 मीटर तो लंबा है। जब 115 मीटर लंबा है, अलग से मैं इसे बना देता हूँ, देखिए 115 मीटर लंबा है तो 135 मीटर तो हो गया ये लंबा, 135 मीटर, ये भी 135 मीटर। और कहा है कि 45 मीटर ये कैसा है, 45 मीटर ये चौड़ा है, तो 45 मीटर ये हो गया, ये 45 मीटर, 45 मीटर। इन सबको आप जोड़ोगे, एक लंग से जोड़ते चले जाइए इस तरीके से, आपको मिल जाएगा। अब आपको इस तरीके से तो पेपर में नहीं करना है, आप फिगर बना लीजिए। इसके बाद अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है तो आप इस तरीके से जोड़ के कर दीजिए, बट आपको वहाँ पे लिखने के लिए अगर दे दिया जाए तो आपको कुछ इस तरीके से करना है। किस तरीके से, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको फिगर बनाना है। आपको क्या बनाना है, फिगर बनाना है। तो देखिए इस तरीके से हमने ये फिगर बना दिया, और फिगर बनाने के बाद आपको डिनोट करके दिखाना है कि हमने किसे क्या माना है। तो देखिए यहाँ पर जो लंबाई है उसे हमने 115 माना हुआ है, इसे भी 115 माना हुआ है। इसके बाद जो चौड़ाई है उसे हमने 45 माना है, 45, और ये भी 45 माना, क्या है इन्होंने दी हुई है। अब इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे जो परिमाप होता है, यानी बाउंड्री इसकी करनी है तो हमें परिमाप निकालना है, चारों तरफ परिमाप निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे, 2 और एल प्लस बी, यानी दो बार एल आई, दो बार बी आई है, तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे। अब जैसे 2 और इन दोनों को, एल को जोड़ लिया हमने 115 आया, और ए 115 है और बी 45 है, इन दोनों को जोड़िए। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 115 और 45 कितना हो जाएगा, 160, 160 और 160 दूनी हो जाएगा कितना, 320। तो 320 आपको चाहिए, क्या चाहिए, 320 आपको ज़रूरत पड़ेगी, मीटर की ज़रूरत पड़ेगी 320 मीटर की। तो ये आपका परिमाप हो जाएगा, यही आपका आंसर होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। और क्वेश्चन नंबर 47 में देखिए क्या बोला हुआ है, कह रहे हैं कि 240 लीटर का 10% निकालें। तो 240 लिखो और 10% का मतलब 10/100 निकाल दो, कितना ईजी है, जीरो से जीरो कट गया, इस जीरो से ये जीरो कट गया, कितना आया 24 आंसर। तो आंसर हो जाएगा 24। इस तरीके से आसानी से इसे आप निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 48, देखिए 48 में क्या कहा हुआ, ये भी बड़ा ईजी सवाल है, तो इसमें भी हमें सॉल्व करना है। इसको स्टेप को हटा लीजिए, एक्स प्लस में वाई प्लस में जेड। अब इस जब कोष्टक को यहाँ से आप हटाएंगे, माइनस बाहर है तो अंदर के सब साइन को चेंज कर देगा ये। तो एक्स प्लस का था माइनस का हो गया, वाई प्लस का माइनस का था तो इसे प्लस का कर देंगे, ये वाला वाई भीतर वाला बात कर रहे हैं इसकी, ठीक है। और यहाँ पर जो जेड प्लस का था इसे माइनस कर देंगे। अब इनमें काट दीजिए कि जेड प्लस का माइनस का, ये प्लस से कट गया, ये माइनस का एक्स, ये प्लस के एक्स से कट गया, ये वाई प्लस का और ये वाई प्लस का, ये नहीं कटेंगे, ये नहीं कट रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। और 49 क्वेश्चन में कह रहा है कि इसे सॉल्व करना है, तो माइनस का 8 कोष्ठक हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 75 और गुणा में है 0। अब आपको ये पता है, जब 0 किसी में गुणा करता है तो सबको 0 बना देता है, तो इसका 0 आंसर हो जाएगा, सिंपली है। गुणा करो ही मत, इनकी कोई ज़रूरत नहीं गुणा करने की, 0 तो 0 बना ही देगा। क्वेश्चन नंबर 50, लास्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि इनके समापवर्तक बताइए, यानी 9 के बताइए। 9 को कौन कौन डिवाइड करता है, 1, 3 और कितना कर देगा, 9 कर देगा, ये हो गए 9 के। 15 को देखो कितना डिवाइड करेगा, 1 करेगा, 3 करेगा, तिरछे 15, 5 करेगा, पांतिया 15 और फिर 15 करेगा, तो ये हो जाएंगे इसके समापवर्तक। ओके, इस वीडियो के अंतर्गत हमने आपके 50 क्वेश्चन तक डिस्कस करा दिए हैं, और इसके जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनकी जो संख्या है वो आपकी केवल 70 है, तो ये बहुत जल्दी ही ख़त्म होने वाले हैं।
और जैसे कि आपको बताया कि आपका जो पेपर है वो आपके 9 मई से 11 मई के बीच में पेपर होने वाले हैं, यानी 9 मई को होंगे, 10 मई को होंगे, 11 मई को होंगे, और आपके पास ज़्यादा समय नहीं है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी स्टडी करिए और अच्छे से पढ़िए। ओके, चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आपसे लेंगे विदा। थैंक यू।